गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, घूम फिर रहे होंगे, कुछ काम धंधे पे होंगे, कुछ अभी भी सो रहे होंगे, या फिर मेरी तरह एक नई डेस्टिनेशन पे होंगे। हाय, मेरा नाम है क्षितिज सिंह और आप देख रहे हो मेरी नई कहानी। तो आज की इस लवली सी वीडियो में हम आ गए हैं शिखर फॉल्स। तो नवंबर भी किस तरीके से खत्म हो गया पता भी नहीं चला, अब सिर्फ दिसंबर बचा है ये साल अंत होने में। और तो मैं चाह रहा था कि अब आपको थोड़ा सा फिटनेस की तरफ लेके जाऊं। अपनी इस बिजी स्केड्यूल में हमें पता भी नहीं चलता और हम भूल जाते हैं कि लाइफ में फिट होना कितना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूं एक छोटी सी अपनी फिटनेस जर्नी की, जो कि मैं आपको दिखाता रहूँगा। और दिसंबर में तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की वीडियो डालूंगा, पर आज इस ब्यूटीफुल ट्रैक की वीडियो देखिए। जब हम ट्रैक पे आया करते थे तो एक सर्किट मारा करते थे और ये वो रास्ता था ऊपर से आने का, और यहाँ से नीचे आने के बाद इस ब्रिज से सीधा हम लोग शिखर फॉल जाया करते थे। तो आज मैंने गाड़ी नीचे ही पार्क कर दी, ऊपर नहीं करी, और मैं यहीं से ही सीधा आ गया। तो बहुत लोगों ने, जिसने मेरी वीडियो पहले ये शिखर फॉल की देखी होगी उसे पता होगा इस पाइप के बारे में। ये एशियन पाइप हो चुका है अब, और अंग्रेज़ों के डाली हुई पाइपलाइन है जो शहर में आया करती थी और पानी को फिल्टर करा करती थी, और उसके बाद शहर में लोग उसको यूज़ करते थे। तो ऐसा टूटा फूटा रास्ता है ऊपर जाने का, और या पानी का प्रेशर देखो सामने। वैसे तो इंटरमीडिएट लेवल का ये ट्रैक है, 3 से 4 किलोमीटर मैक्सिमम आना जाना होगा नीचे से इस शिखर फॉल का। पर छोटे बच्चे फिर भी ना आए, 7-8 साल से नीचे के बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो अगर लोग पूछेंगे कि मुझे यहाँ आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो भाई कुछ नहीं चाहिए ऐसा, पर अच्छे ट्रैकिंग शूज़, बड़ा सा जिगरा और खूब सारी पावर लंग्स में चाहिए, क्योंकि यही सिर्फ आपकी हेल्प करेगी ऊपर जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आने को कोई भी आ जाता है। और बस थोड़ा सा आपको जिगरा चाहिए कि आप डरो मत, डरने से फोबिया क्रिएट होता है जिसके वजह से आदमी नीचे की तरफ देखता है और गिरने की चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ऐसा जी यहाँ पे नहीं होता है। और अगर होता है तो वो ग्रुप में आए जैसे हम आ रहे हैं, और कैमरे में इतना नहीं पता चलता जैसे मैं आपको बताता भी हूँ, और ये कुछ इस तरीके से है। तो चढ़ना उतरना पड़ता है ना, और बहुत सारे लोगों को यहाँ डर भी लगेगा, पर हम लोग तो बचपन में यहाँ बहुत आए इसलिए पता नहीं चलता, पर अभी भी बहुत सावधानी के बाद यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि लोहे का ये पाइप आखिरकार कभी भी पैर फिसल सकता है। ट्रैकिंग शूज़ हो तो फिर भी ग्रिप अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पे देखो फिर से, तो मैं तो जो है पाइप पाइप से चले जाऊँगा। तो धूप छाँव करते करते लगभग हम ट्रैक पे पहुँच ही गए हैं, और इस टाइम एक्चुअली टाइम ऐसा है कि लोग यहाँ पे बहुत सारे आए हुए होते हैं। फिटनेस इंथूजियास्ट की जगह एडवेंचर लवर्स भी आते हैं, वो अपना खाना पीना जो ऊपर ही बनाते हैं। भाई किसी खूबसूरत जगह को पाने में कुछ डिफ़िकल्टीज तो आएंगी ही, तो अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे उस खूबसूरती को महसूस करोगे और देख पाओगे। वीडियो में उतना नहीं समझ आता जितना लाइव आके। तो ये फिल्टर है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, यहाँ पानी पहले के टाइम पे फिल्टर हुआ करता था और उसके बाद उस पाइपलाइन में जाता था। यहाँ ये पिकनिक स्पॉट में देखो कैसे बच्चे खाना बना रहे हैं, और वहाँ पर भी, और उसके आगे वो है शिखर फॉल्स। तो क्योंकि पानी बहुत अच्छा है तो पानी में तो पैर रखना ही पड़ेगा अब हमें, और ये देखो कितना गहरा है यहाँ पे, ये पानी में पैर रख के हमें जाना पड़ेगा और ये हर्डल चढ़नी पड़ेगी, और साथ में आगे भी कुछ हर्डल्स हैं चढ़ने के लिए मेन फॉल तक जाने के लिए। तो चढ़ गए ये ऊंचाई, और ये देखो यहाँ से अब उतरना भी है, और साथ में ये पानी पार करते हुए
फिर ऊपर। तो सामने एक और हर्डल है जो आपको दिख रहा होगा, वो पत्थर जहाँ हम चढ़ रखे थे, और यहाँ क्योंकि पानी ज़्यादा था तो हम लोग यहाँ से आ गए। भाई अभी भी वीडियो गेम खेल रहा है, इतनी खूबसूरत जगह पे देखो। ये था सबसे ख़तरनाक चढ़ने के लिए, और सामने फिर फॉल्स आ गया। चढ़ते हुए कोई वीडियो तो बना नहीं सकता, तो फ़ोन डाला जेब में और हम चढ़ते चले गए। अभी बढ़िया लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो रगड़ रगड़ के किसी तरह जाना पड़ेगा वहाँ तक। और खूबसूरती देखो जगह की, तो यहाँ ऊपर से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, हल्का सा भी कोई मूवमेंट हुआ तो सीधा पत्थर रगड़ते हुए नीचे। ये देखो ये है मैजेस्टिक शिखर फॉल्स, जिसकी ठंडी हवा मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है और पानी की छींटे तरोताज़ा कर देती हैं। कैसा लगा शिखर फॉल हमारा? और इस टाइम भी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, पानी का फ्लो बहुत अच्छा है। मेरी आवाज़ जो है मुझे नहीं पता कितनी अच्छी आ रही होगी पानी की शोर की वजह से। तो बस अब चलते हैं नीचे की ओर।
हाँ जी, तो पहुंच गए हम शांत जगह पे जहाँ पे हम दो मिनट के लिए बात कर सकते हैं। तो बस ये था आज का सफर। बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुकी है हर चीज और बहुत डिफरेंट हो रही है। पानी भी मुझे लगता है दिसंबर तक है और उसके बाद कम हो जाएगा यहाँ पे। और बस इस वीडियो को करते हैं अब यहीं एंड। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, नवंबर आज 24 तारीख है और आज ख़त्म हो जाता है और शुरू होता है दिसंबर। साल का अंत, साल कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता। और हम लोग अपने जैन से सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारे रेजोल्यूशंस बहुत लोगों के फेड आउट हो जाते हैं। दिसंबर में चाहता था न्यू ईयर से क्या शुरू करना, दिसंबर में मैं शुरू करना चाहता हूँ इस साल की बहुत प्यारी सी वीडियो की एक 5 दिन की सीरीज। बेसिकली 5 दिन की नहीं है, पूरे महीने की है, क्योंकि दिसंबर में संडेज 5 आएंगे और 5ों दिन मैं एक फिटनेस की वीडियो आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। और वो जिम की वीडियो रहेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि जिम की वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ उन्हीं के वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आप दूसरों की बात मान लेते हो तो वो चीज़ हिट भी हो जाती है आपके लिए और वीडियो बनाने में कुछ भी नहीं जा रहा। मुझे तो क्या है, घूमना फिरना है नहीं, एक जिम के अंदर बस खाली वीडियो बनानी है और किसी से हेल्प करवा लूँगा, मेरा फ़ोन पकड़ के वो वीडियो बना देगा। अगले संडे मैं आपके लिए लेके आता हूँ फिटनेस की, अपनी जिम की वीडियोस जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ अपनी, 1, 8, 15, 22nd and 29th December। इन 5ों दिन मैं दिसंबर के संडे आपके लिए लेके आऊँगा फिटनेस की वीडियोस, जिम की वीडियोस। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि वैसे वो वीडियोस मेरी स्पेशल होंगी। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे फिटनेस की कभी मैं वीडियोस बनाऊंगा और पहली बार बनाने जा रहा हूँ। और 3 मिनट, 2-3 मिनट की वो वीडियोस रहेंगी, कुछ ऐसा इंट्रो नहीं होगा, ना स्टार्टिंग ना एंड। और रैपचिक म्यूजिक डाल के, एक इंग्लिश सॉन्ग डाल के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और बस इतना ही कहना चाहता था, इसीलिए शांत जगह चूज करी मैंने। तो चलो आज करते हैं इस वीडियो का समापन। और मेरी वाइफ कहती है कि ऐसे हिंदी के वर्ड्स कहाँ से लेके आते हो, तो जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे वैसे आप सीखते रहोगे। तो मैं आजकल के ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ कभी कभार रहता हूँ कि ऐसे वर्ड जो है मुंह पे आ ही जाते हैं। तो चलो आज करते हैं इस वीडियो का एंड और अब मिलते हैं नई वीडियो में, एक नए सफर में। तब तक के लिए आप रखें अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान, बच्चों को प्यार, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद।